वॉट इज सेंटर ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट वाई माइनस 24 इक्वल टू जीरो। अब देखें, एक फॉर्म तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की ये होती है जैसे कि इस तरह की, और एक इस तरह से भी होती है। ये जब हो तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंपेयर करेंगे एक्स को एक्स के कोएफिशिएंट से, देखो एक्स का कोएफिशिएंट टू जी या माइनस सिक्स, टू जी अगर माइनस सिक्स है तो जी माइनस थ्री हो जाएगा। वाई के कोएफिशिएंट को वाई के कोएफिशिएंट से, वाई का कोएफिशिएंट टू एफ या एट, टू एफ एट है तो एफ फोर हो जाएगा। सेंटर ऑफ सर्कल हमेशा होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो मौजूदा सूरत के हिसाब से क्या हो जाएगा, थ्री कॉमा माइनस फोर। ठीक है, इस तरह के बहुत सवाल आए हुए जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट वाई प्लस 17 इक्वल टू जीरो, एक बार ये दिया था। तो भाई ये 2g के बराबर, तो g 3 हो गया और माइनस जी हो गया माइनस 3, क्योंकि सेंटर माइनस होता है। इतना 2f 8 है तो f 4 हो गया, तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा।